स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्या समान है, क्या रामायण है, ये पूछने की जरूरत ना है। जो समान आज रात तेरी गाड़ी में रहेगा और मैं बताऊंगा तने रात ने कि डिलीवरी कहां करनी है समान की। ऐसा क्या है सूटकेस में, कहीं कोई क्या समान है, क्या रामायण है, ये पूछने की जरूरत ना है। जो समान आज रात तेरी गाड़ी में रहेगा और मैं बताऊंगा तने रात ने कि डिलीवरी कहां करनी है समान की। ऐसा क्या है सूटकेस में, कहीं कोई भाई। हाँ क्या हुआ, आप बड़े स्ट्रेस में दिख रहे हो। नहीं स्ट्रेस नहीं, वो गर्मी इसलिए। चल क्या हुआ। डोंट वरी भाभी ठीक है अब। भाभी ठीक है मतलब उसे क्या हुआ। नहीं वो मंदिर जब गए थे तो उसके बाद आते समय वो मिसिंग हो गए थे ना, तो घर वाले ही बहुत परेशान थे। मिसिंग, पुलिस स्टेशन से तो कब की निकल चुकी थी। तो क्या पुलिस स्टेशन, क्या पुलिस, क्या क्या सुन रहे तुम। मैंने कहा मंदिर से वो कब की निकल चुकी होगी ना, तो फिर कहाँ गई होगी। हाँ वही मीका का फोन आया था, हो रही थी कि वो घर आ गए, तो फिर मैं भी घर आ गया। घर चल, यहाँ क्या कर रहे हैं भाई। ये टिक्की खुली है आप। नहीं नहीं वो टिक्की वो गलती से खुल गई थी, इसलिए मैं बंद ही करने वाला था कि तू आ गया। चल इशमा, नीलम और कार्तिक ठीक तो होंगे ना। नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि वो परेशानी में होंगे। इष्टपुत्र तूने उस इंस्पेक्टर से बात की थी, शायद वो वहां गया हो। नहीं पापा जी, करती हूँ मैं, पर मुझे ना उस विजेंद्र पे, वो मुझे इंसान ठीक ही नहीं लगा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करेगा उन दोनों के साथ में। रूही, जो मैंने सुना क्या वो सच है, तुमने शादी ग्रहण कर दी। रियली? पापा करण बहुत लविंग एंड केयरिंग है, तो मैंने सोचा इस रिश्ते को एक बार मौका देके देखती हूँ। तो इतने धीरे से क्यों बता रही हो, कम यार। That's the best news of the day. रमन पुत्र, कुशलिया जी कह रही थी कि कल एक ही मंडप में दोनों शादियां हो जाए, इस बारे में तेरी क्या राय है। कल ये? Okay, fine. अरे कम यार, बल्ले बल्ले हो गई। अब माँ बताओ, मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई बाप होगा इस दुनिया में। दोनों बेटियों की शादी एक साथ एक मंडप में अच्छे घर में हो रही है। अरे वाह रमन, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। और तुम्हारा काम दुगना हो गया है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, टीना को फोन करो, बोलो कल एक नहीं दो शादियां हैं, डबल तैयारी करो। नंबर टीना का नंबर। रमन हाँ हाँ पापा। रमन इशिता ने बताया कि विजेंद्र सही आदमी नहीं है। आलिया के मेहंदी के फंक्शन में आकर उसने सारा माहौल खराब कर दिया था। अब शादी है तो उससे दूर रहे। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे किसी फंक्शन में आकर दोबारा से ऐसा माहौल खराब करे, समझा। पापा आप इशिता को जानते हैं ना, हर चीज को ओवर एनालाइज करती है। मैंने कहा ना विजेंद्र मेरा क्लाइंट है, प्रोफेशनल आता है उसके साथ। अब वो निजी जिंदगी में क्या करता है, कैसा है, हमें क्या लेना देना उससे। अब पापा बिजनेस में हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है, अब लोगों को छाटते फिरूंगा कैरेक्टर के हिसाब से तो मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं संभालूंगा सब कुछ। और लोगों से कहोगे ज्यादा सोचना बंद करें। अच्छा उन्हें छोड़ो ना, खुशी का माहौल है, मुझे दोनों बेटियों की तरफ से एक हग मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस। मामा पूजा का सामान ले आई हूँ। हाँ ये बड़ा बढ़िया किता है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, चार बज गए हैं।
ये अपनी बिल्डिंग की औरतें आने वाली होंगी, वो पूजा करनी है जल्दी से। चलो चलो चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।